कंज्यूमर अड्डा पर बात हो रही है कि कैसे 5G आने से बदल जाएगी हमारी जिंदगी। अगले साल रोल आउट की बात आ रही है जियो की तरफ से और भारत में ट्रायल्स भी इसके शुरू होने वाले हैं, और इसीलिए आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ हैं, तो संदीप फटाफट बात कर लें आपकी, जब ये आएगा शुरुआत में तो क्या टैरिफ इसके हाई रहेंगे, और दूसरी बात ये भी कि क्या आपको आपके हैंडसेट्स बदलने ही पड़ेंगे, मैंडेटरी आपके मौजूदा फोन से काम चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल विपिन, उससे पहले मैं संक्षिप्त में एक चीज बताना चाहूंगा कि हम अभी तक एंटरप्राइज की तो मैंने बात करी ली थी अपने पहले जवाबों में कि क्या फायदे हो सकते हैं। अब जो कंज्यूमर साइड फायदे हो सकते हैं लोगों को, तीन जगहों पे होंगे। एक होगा गेमिंग में, कि जहां पर आपकी ई टूर्नामेंट्स और जितने भी मोबाइल गेम्स हैं इनमें काफी ज्यादा फायदा दिखेगा लोगों को 5G के आने के बाद। दूसरा आपको एंटरटेनमेंट सेक्टर में नजर आएगा, जहां पर आप लाइव मूवीज देख सकेंगे, यानी कि जो मूवीज आप पिक्चर हॉल जाके देखते हैं या अभी स्ट्रीमिंग ऐप्स में देखते हैं, ये मूवीज डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स अपने सर्वर से स्ट्रीम करेंगे और बिना किसी भी, वो धीरे धीरे वो चलता है ना कि लोडिंग टाइम, वो आपको नजर नहीं आएगा, वो मूवीज आप घर में देख पाएंगे। और तीसरा है एजुकेशन। ये है तीन कंज्यूमर फेसिंग सर्विसेज जहां पर आपको मेजर इंपैक्ट दिखेगा, उसके अलावा स्पीड तो है ही। और अब बात कर लेते हैं कि डिवाइसेस कब होंगी, क्या आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। अफकोर्स 5G जब सर्विस आएंगी उनका रेट 4G से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक स्पेक्ट्रम का पैसा नहीं पता लगेगा कि गवर्नमेंट ऑपरेटर्स को कितना पैसा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को स्पेक्ट्रम अक्वायर करने के लिए, उसके बाद फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ देख के जब क्लोजर टू द लॉन्च पता लगेगा। डिवाइसेस राइट, डिवाइसेस आपके एग्जिस्ट, सॉरी जी हाँ फिर कुछ बोल रहे थे आप? हाँ जी बताए डिवाइसेस। तो डिवाइसेस की अगर बात करें तो जो आपके एग्जिस्टिंग 4G डिवाइसेस हैं उसमें 5G नहीं चल सकता है, यानी कि आपको नई डिवाइसेस लेनी पड़ेगी 5G के लिए। और अगर अभी मार्केट की तरफ देखें तो मार्केट में 5G डिवाइसेस आना स्टार्ट हो गई हैं, और जो सबसे सस्ती है मेरे ख्याल से 20,000 रुपए की एक मोटोरोला की कोई डिवाइस अभी थोड़े दिन पहले लॉन्च हुई है, वो आएगी। लेकिन इस चीज में रिलायंस एक कोशिश कर रहा है। रिलायंस का जो लास्ट स्टेटमेंट आया था थोड़ा महीने पहले, उन्होंने बोला था कि हम भारत में अफोर्डेबल 5G डिवाइसेस लाएंगे। वो क्या कर रहे हैं, 2-3 ODMs और मैन्युफैक्चरर से बातचीत चल रही है, और मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी फरवरी के आसपास शायद आप रिलायंस जियो की डिवाइसेस देख सकते हैं जो 5G एनेबल्ड होंगी और जो रेट में काफी कम होंगी। जो र्यूमर्स के हवाले से खबर मिल रही है वो लग रहा है कि ये जो डिवाइसेस होंगी अराउंड 7-8 हजार के आसपास होने वाली जी है, 5G डिवाइसेस, एंड्रॉइड बेस्ड डिवाइसेस। लेकिन ये जो पहल ले रहा है रिलायंस, इसका एक और फायदा है, जब रिलायंस इतनी सस्ती डिवाइसेस मार्केट में ला देगा, सस्ती 7,000 के करीब की डिवाइसेस, क्या होगा इससे जितने बाकी ODMs हैं या जो भी बाकी ब्रांड्स हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वो लोग भी ज्यादा सप्लाई में 5G फोन बनाएंगे। तो मतलब यहाँ पर ये है कि इस कंपटीशन में भी ग्राहकों का फायदा हो सकता है। तो चलिए अब इंतजार रहेगा कि कितनी जल्दी 5G रोल आउट होता है। फायदे आज बहुत सारे देख लिए हमने, हर लेवल के देख लिए, और डेफिनेटली हमारी लाइफ को चेंज करने की ताकत रखता है। इंतजार रहेगा कि कब हमें इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। चलिए क्योंकि समय हो गया समाप्त, तो आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।